नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे नंदलाल बोस के बारे में, जो कला जगत की एक महान हस्ती हैं और इनके गुरु जो है अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरु थे और इनके खास शिष्यों में नंदलाल बोस थे। आइए जानते हैं, नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले में खड़क हवेली खड़कपुर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 ईस्वी में हुई थी। इनकी माता का नाम छेमणि, पिता का नाम पूर्णचंद्र बसु, जो दरभंगा रियासत के इंजीनियर थे। भाई इनके अतुल मित्र हैं, जो ये भी एक कलाकार ही थे। पत्नी इनकी सुधीरा देवी थी और शिक्षा इनकी कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में हुई थी। और 1905 में इन्होंने प्रवेश लिया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता में। और जब ये प्रवेश लेने के लिए गए तो उस वक्त वहाँ के प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य ई.बी. हेवेल साहब थे और नंदलाल बोस अपने साथ अपनी तूलिका द्वारा जो बनाया गया चित्र था महाश्वेता लेकर गए। और ई.बी. हेवेल ने जब इस चित्र को देखा तो हेवेल ने तुरंत ही इनको एडमिशन जो है कलकत्ता स्कूल में दे दिया। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि नंदलाल बोस के बारे में अगर हम जानें, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो पहला है कि इन्हें भारत का ड्यूरर कहा जाता है। एग्जाम में आता है कि भारत का ड्यूरर किसे कहा जाता है, तो नंदलाल बोस को कहा जाता है। शिव सिद्ध कलाकार जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने इनको शिव सिद्ध कहा था, क्योंकि ये शिव से संबंधित इन्होंने काफ़ी चित्र अपनी कृतियों में बनाया है और इन पर शिव का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। और इनको संविधान का चितेरा के नाम से जाना जाता है, जो डेकोरेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको संविधान के चितेरा के नाम से जाना जाता है। और संविधान में टोटल जो 22 भाग थे मूल संविधान में, उन 22 भागों को लेकर इन्होंने 22 चित्र बनाया और इसकी मेहनताना के रूप में इनको 21,000 रुपया दिया गया था। इनको जब ये शांति निकेतन के कला भवन में जब ये पढ़ा रहे थे तो छात्र इनको मास्टर मोसाई के नाम से भी पुकारते थे। और इन्हें एक शैली के जनक के रूप में भी जाना जाता था, जिस शैली को इन्होंने ईजाद किया या जनक के रूप में इनको माना गया, वो है नव बंगाल शैली। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जो है TGT 2003 और 2011 में ये प्रश्न आया था कि न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना की किसने की या नव बंगाल शैली के जनक कौन हैं, तो ये जो है नंदलाल बोस हैं। इनके बारे में हम ये और देखते हैं कि इनके जो जापानी गुरु थे, वो जापानी गुरु अराई कैपो थे। बाकी ये तो जान ही चुके हैं कि इनके जो गुरु थे अवनी बाबू थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इसके साथ साथ ये जहाँ पर इन्होंने शिक्षण कार्य किया वहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम की दृष्टि से, तो 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई थी। उस समय इसके अध्यक्ष लॉर्ड किचनर बनाए गए थे। उस समय जो इनमें सदस्यों की संख्या थी कहीं कहीं 40 मिलता है, लेकिन जो मान्य है 35 थे, जिसमें 5 भारतीय थे और 30 अंग्रेज थे। तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में 1917 में प्रधानाध्यापक बनाया गया था। 1905 में ये एडमिशन लिए थे जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में। उसके बाद इन्होंने 1917 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल में एक प्रिंसिपल की भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद विचित्रा क्लब में जो है 1919 में आए और वहाँ पर इनको अध्यक्ष बनाया गया। फिर कला भवन शांति निकेतन, तो कला भवन जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, उनका भी इन्हें प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और 1922 से लेकर 1951 तक इस पद पर ये बने रहे। अब हम आगे की ओर चलते हैं।
अब आगे आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न और पद्मश्री के प्रतीक का डिजाइन भी नंदलाल बोस ने किया है। 1976 में भारतीय पुरातत्व संग्रह और भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने नंदलाल बोस को बहुमूल्य कला निधि घोषित किया। नगमा में लगभग नंदलाल बोस की 7,000 कृतियां संग्रहित हैं। इनकी स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। मूल संविधान जो अभी हमने चर्चा की थी कि मूल संविधान के 22 भागों पर 22 चित्रों को सजाया है नंद लाल बोस ने। उसको सजाने में लगभग इनको 4 वर्ष का समय लगा था और 21,000 रुपये की मेहनताना दी गई थी। लेकिन इस संविधान में के जो लिपि सुलिपिकार थे, जो इसको लिखा था, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। 1954 में नंदलाल बोस को पद्म भूषण दिया गया और सबसे पहले ये कलाकार थे जिन्हें ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम पहले ऐसे ये कलाकार थे जिनकी कलाकृतियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, रंगीन वृत्तचित्र का निर्माण भी किया गया। नंदलाल बोस ने लगभग अपने जीवन काल में 10,000 चित्रों की रचना की, जिसमें से 7,000 इनके जो है नगमा में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। इनके बारे में स्टेला किमरिश ने कहा था कि नंदलाल बोस के जो कार्ड चित्र हैं, ऑटोग्राफ हैं, जो रेखा चित्र हैं, ये आधुनिक भारतीय चित्रकला के अनमोल रत्न हैं। स्टेला किमरिश ने हमने पहले भी चर्चा की थी अवनींद्रनाथ टैगोर के वीडियो में कि स्टेला किमरिश ने ही जो है गगनेंद्रनाथ टैगोर को जो है सर्वप्रथम घनवादी चित्र कहा था। ये स्टेला किमरिश ने ही जो है नंदलाल बोस के भी चित्रों को, कार्ड चित्रों को, रेखा चित्रों को, ऑटोग्राफ चित्रों को कहा कि ये आधुनिक भारतीय चित्रकला के अनमोल रत्न है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी इनको जो है विश्वविद्यालय से डिलीट की भी दी गई है। आते हैं, हम देखते हैं। 1950 में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से नंदलाल बोस को डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी। 1957 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इनको डीलिट की उपाधि दी गई थी और 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के द्वारा इनको डीलिट की उपाधि दी गई थी। इस तरह हमें तीन जगह से, तीन यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि नंदलाल बोस को दी गई थी। हमने ये देखा 1952 में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा इनको देशकोत्तम की उपाधि दी गई। 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के द्वारा रविंद्र शताब्दी का पुरस्कार सम्मान दिया गया। 1958 में ललित कला अकादमी कलकत्ता के द्वारा इनको रजत जयंती पदक दिया गया। अब इनकी कुछ पुस्तकों की चर्चा कर लेते हैं नंदलाल बोस की, तो शिल्प कथा या शिल्प चर्चा रूपावली है, शिल्प कला है, भारतीय कला का सिंहावलोकन है, ये नंदलाल बोस की कुछ पुस्तकें थीं। बुक इलस्ट्रेशन यानी पुस्तक पर जो चित्रण किया जाता है, अगर उस बात को देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ पुस्तकें थीं, छायानिका थी, गीत वितान थी, ये काव्य संग्रह है, गीतांजलि थी, सहज पाठ था और साथ ही साथ इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बुद्ध, इन पर भी नंदलाल बोस ने चित्रण किया है। अगर चित्रण की बात करें तो हमें कुछ कलाकार जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकों का चित्रण किया है, और जिसमें से अगर हम बात करें जीवन स्मृति, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो जीवन स्मृति पुस्तक है उस पर जो चित्रण का कार्य किया था वो गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और एक पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा, उस चित्रांगदा पर अवनी बाबू ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने उस पर चित्रण किया था। तो इस तरह हमें याद रहेगा कि चित्रांगना, जीवन स्मृति, गीतांजलि, इस पर किन किस किन कलाकारों ने इस पर चित्रण किया है रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक पर। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो माइकल एंजेलो और राफेल जो हाई रेनासा के तीन प्रमुख जो उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार थे यूरोपीय जगत में, माइकल एंजेलो राफेल और लियोनार्डो दा विंची, उनमें से माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की अनुकृति भी हमारे नंदलाल बोस ने बनाया है। रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने नंदलाल बोस को तृतीय नयन की भी
उपाधि दी थी और तृतीय नयन कहा था नंदलाल बोस को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये उनके कुछ सम्मान थे, कुछ पुस्तकें थीं और इनके कुछ पुस्तकों पर चित्रण किया जो है। अब हम देखते हैं इनके अधिवेशन कहाँ कहाँ पर, अधिवेशन पर इन्होंने पांडाल सज्जा की और साथ ही इनके चित्रों को देखते हैं। आइए हम देखते हैं। नंदलाल बोस ने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन, फैजपुर का कांग्रेस अधिवेशन और हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन, इन तीनों अधिवेशनों के पांडाल की सज्जा की थी, जिसमें से लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन इस प्रश्न के परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट जो बनता है कि भारतीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था। जब लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था उसी समय इन्होंने अपना छात्रों के साथ मिलकर भारतीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया था लखनऊ में। दूसरा है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, इसके आधार पर जो प्रश्न बनते हैं कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की विषय वस्तु क्या रही है, यानी किस विषय को लेकर यहाँ पर जो है साज सज्जा की गई थी, पैनल बनाया गया था, चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई थी, तो वो था भारतीय ग्राम्य जीवन। फिर दूसरा इसमें प्रश्न निकल के आता है कि हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन का शीर्षक क्या था, तो वो शीर्षक था जमीन जोतने वाला, यानी एक भारतीय किसान। और किस माध्यम में बनाया था नंदलाल बोस ने, तो इसको टेम्परा माध्यम में बनाया था। और ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर हम देखते हैं एक और चित्रकार और मूर्तिकार थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की सज्जा की थी, मेरठ के कांग्रेस अधिवेशनों की 1946 में, वो थे शंखो चौधरी। अब हम बात कर लेते हैं नंदलाल बोस के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ जो गुफा में बनाए थे, गुफा के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई थी, उसमें था अजंता जिसकी खोज जान स्पित में की थी। तो 1909 और 10 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में इन्होंने जो है बाघ की अनुकृतियाँ बनाई थी और अजंता की अनुकृतियाँ बनाई थी, और बाघ की अनुकृतियाँ इन्होंने 1921 में बाघ की अनुकृतियाँ बनाई थी जिसकी खोज डेंजर फील्ड ने की थी, बाघ गुफा की खोज डेंजर फील्ड ने की थी, और इसके चित्रों की अनुकृतियाँ जो है 1921 में नंदलाल बोस ने बनाई थी। अब हम इनके चित्रों की बात करते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की प्रथम प्रदर्शनी लगाई गई थी सन 1908 ईस्वी में। उस प्रदर्शनी में नंदलाल बोस का सती का देह त्याग, सती के देह त्याग के चित्र पर इनको 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया था और ये इनका पहला पुरस्कार था। उसके बाद कलकत्ता कला विद्यालय में जब प्रवेश लिए थे नंदलाल बोस, तो उस समय अपनी एक तूलिका द्वारा बनाया गया जो चित्र था महाश्वेता लेकर गए थे, जिसको देखकर ईवी हेबल ने इनको एडमिशन दिया था। 1930 में जब गांधी जी का नमक कानून आंदोलन, तोड़ो आंदोलन था नमक कानून के विरुद्ध, तो उस पर भी इन्होंने एक चित्र बनाया था दांडी यात्रा, जिसे बापूजी भी कह सकते हैं, और इसे लीनोकट माध्यम में बनाया था। उसके बाद जगदीश चंद्र बसु के कहने पर इन्होंने विज्ञान भवन में महाभारत की कथा से संबंधित चित्र बनाया, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का एक भित्ति चित्र बनाया था। उसके बाद शांति निकेतन के चीनी भवन में जलता देवतार का भित्ति चित्र बनाया था। शांति निकेतन में इन्होंने एक और भित्ति चित्र इटालियन पद्धति से दूल्हे की सवारी जो है बनाई थी। उसके बाद इनके अन्य चित्र जो थे, शिव का विश्वान था, सती था, नौका विहार था, गुरुदेव और नर्तकी, तो ये गुरुदेव और नर्तकी है, और एक हमने अभी नवनिंद्रनाथ टैगोर के वीडियो में देखा था कि वहाँ जावा नर्तकी है, तो गुरुदेव और नर्तकी ये नंदलाल बोस द्वारा है और जावा नर्तकी ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। उसके बाद युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा या पांडवों का हिमालय आरोहण, 15 फुट लंबे इस चित्र को कहा जाता है कि नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाकर ही तैयार कर दिया था। कर्ण का सूर्य पूजन है, संथालों का लवाई नृत्य है, बीड़ा वादनी है, बुल फाइट, अब यहाँ बुल फाइट आया है तो नंदलाल बोस के द्वारा ये बनाया गया चित्र है बुल फाइट। अगर सांड से संबंधित बुल फाइट है तो अगर यहाँ बुल फाइट से देखें तो 2 चित्र और ले लेते हैं। बुल एक काष्ठ माध्यम में है, एक टेरा कोटा माध्यम में, तो मेमोरी में बना रहे, भूले ना।
तो बुल फाइट से ही आप जोड़ सकते हैं कि एक बुल काष्ठ माध्यम में बना है, जिसे धनराज भगत ने बनाया है, और एक बुल टेराकोटा माध्यम में बना है, जिसे राघव कनेरिया ने बनाया है। इसके बाद उमा की जल समाधि है, मायावती आश्रम है, चांडालिका है, एक गधा है, यम और सावित्री, पार्थ सारथी, मदर ब्रीदिंग हर चाइल्ड, अरहर का पौधा, उसके बाद दार्जिलिंग एंड फाग, बुद्ध और मेमना। तो ये बुद्ध और मेमना हमने पिछली वीडियो में, अवनींद्रनाथ टैगोर की वीडियो में, हमने वहाँ बुद्ध और मेमना लिखाया है। बुद्ध और मेमना का जो चित्र है वो नंदलाल बसु का है। तो इस तरह इनकी ये चित्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको दिमाग में जो है लर्न कर लीजिए, माइंड में एकदम बैठा लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं कि नंदलाल बसु का जो ये टॉपिक रहा है, ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया है। जो जो अन्य टॉपिक है वो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, और जो मेन मेन टॉपिक रहा है जिस पर ये प्रश्न बनते हैं, और ये कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसा कंटेंट मिल जाए, तो इसको हम बेहतरीन ढंग से तैयार कर ले तो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही सरलता और सहजता होगी। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।